देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज विदेशों से खबरें। सऊदी अरब अक्सर अपने देश के कट्टर इस्लामिक छवि को बदलने की कोशिश करता आया है। यही कारण है कि आज सऊदी अरब ने अपने देश के झंडे से जुड़े कानूनों को बदलने को कहा है। सऊदी अरब अपने कानूनों को फिर से प्रभाषित करने जा रहा है। इस पर शुरा काउंसिल ने भी बदलाव को हरी झंडी दे दी है। अगली खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में गरीब बच्चों का बुरा हाल है। गरीब लोगों के पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े भी नहीं है, ऐसे में गरीब बच्चे लगातार अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं और कुछ बच्चों की तो जान भी जा चुकी है। इदलिब के अस्पताल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि वह उनकी जल्द से जल्द मदद करें। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने हमला किया है। ये हमला नौशिकी और पंजगुर इलाके में किया गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा दलों के कैंप में हमला किया। इसको लेकर जवानों ने भी आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करी। जासूसी ऐप पेगासस को लेकर इजराइल में बड़ा बवाल हो गया। वहां के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आम आदमियों पर इस ऐप के जरिए जासूसी की है। इस बात को पुलिस ने भी कबूला है। अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने फैसला किया है कि वे 2000 अमेरिकी सेनाओं को पोलैंड और जर्मनी में तैनात कर देंगी। ऐसा उन्होंने मंगलवार में व्हाइट हाउस में पेंटागन के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला किया।